डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे वीडियो को ये देखने के लिए, शेयर करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए एंड मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज और एक कंटेंट के साथ आपके पास आया हूँ। कंटेंट है कि यू आर यूनिक, यानी कि वैल्यू ऑफ लाइफ। मैं आज आपको बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ लाइफ कैसे आप एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे एंड कैसे आपको खुद को प्रूव करेंगे कि यू आर यूनिक। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे बारे में पहले बता रहा हूँ कि मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे पिताजी मैक्सिमम टाइम मुझे बोलते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलते थे, है ना। तभी क्या होता है, जब टाइम के हिसाब से मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आता गया, पिताजी मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी देते गए, लेकिन मैं क्या हो गया, टाइम के हिसाब से मैं प्रूव कर पाया कि मैं यूनिक हूँ। लेकिन उस टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे मुझे हर वक्त पिताजी बोलते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना। तो मेरा कहना ये है कि हर कोई दुनिया में यूनिक है, लेकिन उनके अंदर जो पोटेंसी है, पोटेंसी एंड जो एफिशिएंसी है, जो एबिलिटी है, तो उसको ढूंढने के लिए, परखने के लिए किसी का कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो हम लोगों का जो एफिशिएंसी है, जो एबिलिटी है, वो परख सके। आप लोग भी ऑफिस में काम करते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, घर पे भी काम, बच्चे भी घर पे काम करते होंगे, आप लोग भी कभी कभी ऐसे ही हराश हुए होंगे, स्ट्रेस में गए होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि स्ट्रेस में मत जाइए, क्योंकि बिकॉज यू आर यूनिक, आपको स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे क्यों हमें स्ट्रेस में नहीं जाना है, हम खुद को कैसे प्रूव करेंगे कि हम लोग यूनिक है। एक एक भगवान हर किसी को यूनिक बनाए, क्योंकि किसी का थॉट, किसी का बॉडी लैंग्वेज, किसी का एक्सप्रेशन वगैरह, वे ऑफ थिंकिंग किसी का किसी के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान सभी को यूनिक बनाया है। तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी देता हूँ आपको कि एक आदमी भगवान के पास गया था, बोला कि भगवान जी मुझे ये बताइए कि मेरा वैल्यू क्या है। तो भगवान बोलते हैं, एक काम करो, मैं तुम्हें एक शाइनी स्टोन देता हूँ, इसे लेके जाके बेचो। तो बेचने के लिए, तो लेकिन ये करना, ये जो दुकान, किसी भी दुकान में जाओ एंड इसका वैल्यू लगाओ, लेकिन ये जो शाइनी स्टोन है इसे बेचना नहीं। तो क्या होता है, वो आदमी क्या करता है, वो स्टोन को लेके जाता है, पहले जाके एक फ्रूट सेलर के पास जाता है एंड उसे बोलता है कि ये स्टोन लेके ले लो एंड मुझे। तो फ्रूट सेलर क्या करता है, फ्रूट सेलर बोलता है कि ठीक है, इसके लिए मैं आपको, आप एक काम कीजिए, 10-12 फ्रूट्स ले लीजिए। तो वो आदमी बोलता है, नहीं मुझे तो बेचना ही नहीं है, ठीक है रहने दो, मैं चलता हूँ। तो वो आदमी वो स्टोन को लेके आ जाता है। आने के बाद और एक वेजिटेबल सेलर के पास जाता है, तो वेजिटेबल सेलर को जब देता है ना, तो क्या होता है, वो वेजिटेबल सेलर बोलता है, ये स्टोन के मुझे दे के आप एक काम करो, एक बोरी आलू ले जाओ, एक बोरी पटाटो ले जाओ, समझते हैं ना। लेकिन वो आदमी क्या करता है, वो शाइनी स्टोन को बेचता नहीं है, फिर आगे निकल जाता है, एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, ज्वेलरी शॉप में वो शाइनी स्टोन को बेचने के लिए कोशिश करता है। तो ज्वेलरी शॉप वाले ने बोलता है कि मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा। तो 1,00,000 रुपया तो देने के जब बोला, ये आदमी मना कर दिया कि नहीं मुझे बेचना नहीं। तो तभी वो ज्वेलरी शॉप आदमी बोलता है कि, वो ज्वेलरी सेलर बोलता है कि एक काम करो, हमें आपको इसके लिए 5,00,000 रुपया दे सकते हैं। तभी क्या होता है, वो आदमी बोलता है, नहीं इसे बेचना नहीं है मुझे, फिर वापस आ जाता है। वापस आके एक डायमंड सेलर के पास पहुंच जाता है, तो शाइन स्टोन उसे भी दिखाता है, इसे कितने में खरीदोगे। तो डायमंड सेलर बोलता है, मैं आपको ये इसके लिए 1,00,000 दे सकता हूँ। तो वो आदमी क्या करता है, उसे फिर से बेचता नहीं, फिर वो शाइनी स्टोन को पकड़ के आ जाता है एंड फिर से भगवान से मिलता है। तो बोलता है, प्रभु जी इसमें से मुझको समझ में नहीं आया, आप क्या बताना चाह रहे हैं। भगवान बोले कि ये स्टोन यूनिक है, जैसे तुम यूनिक हो ऐसे ही ये स्टोन भी यूनिक है, लेकिन परखने का नज़रिया कि जो वेजिटेबल वाले ने, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसके पास जो एबिलिटी है, उसके पास जो नॉलेज है, उसने उसी हिसाब से तुम्हें परखा एंड तुम्हारा वैल्यू लगाया। लेकिन वेजिटेबल वाले ने उसके पास भी जैसे ही एबिलिटी है परखने का, जैसे ही उसके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसी हिसाब से वो तुम्हें परखा।
तुम्हें एस्टिमेट किया या कैलकुलेट किया तुम्हारा वैल्यू को, लेकिन ज्वेलरी वाले ने अपने हिसाब से एस्टिमेट किया कैलकुलेट किया, यानी कि तुम्हें परखा तुम्हारा वैल्यू क्या है वो बताया, यानी कि तुम्हारा इन द सेंस वो स्टोन का। लेकिन डायमंड वाले ने वो अपने हिसाब से बताया कि आपका ये जो स्टोन है इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना, कभी भी मेरा कहना है ये स्टोरी से क्या पता चलता है, ये स्टोरी से ये पता चलता है कि यू आर यूनिक लाइक दैट स्टोन, यू आर यूनिक लाइक दैट स्टोन। तो आप कभी भी लाइफ में स्ट्रेस में मत जाइए, डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोगों को आप जो हम लोगों का जो वैल्यू है वो ढंग से नहीं मिलता, क्योंकि हमें परखने वाला कोई ढंग से नहीं मिलता जो कि हमारा ढंग से वैल्यू लगा पाए। तब तक हमें इंतज़ार करना है, राइट टाइम का इंतज़ार करना है। लेकिन अपना जो एफिशिएंसी लेवल है, अपना जो एबिलिटी है, अपना जो एफिशिएंसी लेवल है उसे ग्रो करना है एंड खुद को प्रूव करना है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है। तो भगवान क्या बोले, भगवान ये बोले यू आर यूनिक लाइक दैट स्टोन। तो कभी भी हरास नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, समझ रहे हैं ना। जब तक परखने वाला आपको नहीं मिलता है तब तक आपका वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इंतजार करिए तब तक जब तक कोई आपको ढंग से परखने वाला ना मिल जाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ, ये मैं जो स्टोरी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरा कहना ये है स्ट्रेस में मत जाना, नहीं जाना है डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद का जो एबिलिटी एफिशिएंसी लेवल है एंड खुद को नॉलेजफुल बनाइए, रिसोर्सफुल बनाइए, ताकि आपको जो वैल्यू मिलना है तो वो आप वो वैल्यू आपको मिल के ही रहेगा। तो ये स्टोरी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यू आर यूनिक, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके वो जैसा कोई बात नहीं कर सकता, आपके जैसा कोई सोच नहीं सकता, आपके जैसा कोई काम कर नहीं सकता। तो आप यू आर यूनिक। आप सोचिए कि मेरा जो एफिशिएंसी लेवल है मैं कैसे ग्रो करूँ, समझ रहे ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ यू आर यूनिक, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू आर यूनिक, नो वन कैन रिप्लेस यू। लेकिन तब तक इंतजार करिए जब तक आपको कोई ढंग से परखने वाला ना मिले, आपका वैल्यू जो है उसे ढंग से लगाने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी दिन मिल ही जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा एंड कमेंट फीडबैक आपका जो सब्सक्राइब इसे एक्सपेक्ट करता हूँ एंड और क्या बोलने के लिए क्या बताऊँ, इतना बोल सकता हूँ रेस्पेक्ट यूर सेल्फ, यू आर यूनिक, नो वन कैन रिप्लेस यू। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, इंतजार आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तब तक मुझे विदाई दीजिए, नमस्कार।